Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to my birthday series wherein I'll be posting 12 videos every day at 6 PM. तो आज की वीडियो के लिए मैं करने वाली हूँ कुछ एक्साइटिंग और कुछ न्यू. तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी टू डू अ सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड वीडियो. अब मैं काफ़ी बार अपने शॉर्ट्स पे तो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मेकअप लुक्स क्रिएट करती रहती हूँ, बट मैंने सोचा इसको अपने लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट में लेके आते हैं. तो आज के लिए मैं करने वाली हूँ ट्राइंग अ सेलिब्रिटी डाइट फॉर 24 आवर्स. एंड द सेलिब्रिटी जो हमने चूज़ किया है इज नन अदर देन आलिया भट्ट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं बिकॉज ऑफ हर वर्क, बिकॉज ऑफ हर मैरिज, बिकॉज ऑफ हर बेबी एंड लाइक अ लॉट मोर. एंड एनीवे शी इज़ वेल डिजर्व्ड एंड आई लव हर वर्क. मैंने उनका गंगूबाई का लुक भी रिक्रिएट किया था एंड मज़ा ही आ गया था उनकी मूवी देखने में. तो आज मैं उनकी डाइट फॉलो करने वाली हूँ. एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो, उनका यूट्यूब पे भी चैनल है जहाँ पे वो इन माई किचन करके एक सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे अभी तक वो 2 एपिसोड्स डाल चुकी है, जहाँ वो अपने हेड शेफ के साथ जो उनकी फेवरेट खाने की चीज़ें हैं ना उनकी रेसिपीज यू नो रिक्रिएट करती है, बेसिकली सीखती है वो कुकिंग. सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनकी डाइट ट्राई करें. एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उनकी जुकीनी सब्जी ट्राई करने को बिकॉज दैट वॉज वेरी वेरी न्यू टू मी, बट मुझे जुकीनी नहीं मिला. सो विल कीप दैट फॉर अनदर वीडियो. एंड अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई है. अगर आप इंटरेस्टेड हो आज की वीडियो में, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना. बट अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, प्लीज़ टेक आउट अ मोमेंट एंड एज अ बर्थडे गिफ्ट हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट, so that every time I upload a video you get notified. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. So मैं इस वीडियो की जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने आलिया भट्ट के चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही हुआ है, तो मैं उनकी वीडियोस वैसे भी देखती हूँ. एंड उनकी एक वीडियो है जो उनकी इन माई किचन की पहली वीडियो है, उसमें उन्होंने अपना ना फ्रिज शो किया था. उसमें उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मैग्नेट्स लगा रखे थे जहाँ पे उन्होंने कैटेगराइज कर रखा था डिफरेंट यू नो ब्रेड्स, करीज, ब्रेकफास्ट स्नैक्स ऐसे करके पूरा ले कर रखा था. तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिया एंड उसी में से मैं अपना रेफरेंस लेती रहूँगी. बट मैंने उनकी मॉर्निंग रूटीन की एक वीडियो देखी थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो पहले मॉर्निंग में हमेशा कॉफ़ी पीते थे, बट शी हैज़ स्टॉप्ड ड्रिंकिंग कॉफ़ी नाउ और अब वो मॉर्निंग में हॉट वाटर एंड लेमन लेते हैं. तो वो मैं सुबह उठ के ले चुकी हूँ. इंट्रो में थोड़ा सा लेट शूट कर रही हूँ. एंड देन कमिंग टू द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जो उनके फ्रिज मैग्नेट की लाइन में यहाँ इंसर्ट कर दूंगी एंड आई रीड इट आउट. सो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आर टोमेटो ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग, सनी साइड अप प्लस टोस्ट, पीनट सैलड, बेक बीन्स, दालचीनी पानी, बॉइल्ड एग, चिया पुडिंग, स्पेगेटी, क्रेप्स, वेलप्पम, बाजरा रोटी, फ्रेंच टोस्ट एंड मिलेट पॉरिज. तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, हम लोग खाते रहते हैं, लाइक ऑमलेट्स एंड स्क्रैम्बल्ड एग, सनी साइड टोस्ट, यू नो ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत बार खाई हुई हैं. दीज वर नथिंग न्यू. जो चीज़ें मुझे इंट्रिगिंग लगी वर फ्रेंच टोस्ट एंड चिया पुडिंग. तो ये 2 चीज़ें थी जो मैं ट्राई करना चाहती थी. बट चिया पुडिंग आलिया भट्ट ने अपनी वीडियो में बताया कि वो स्नैक्स के टाइम पे ले रहे हैं, सो आई हैव केप्ट दैट फॉर द स्नैक्स. बट अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग लेने वाले हैं फ्रेंच टोस्ट एंड दालचीनी पानी, बिकॉज एनीवेज वाटर इज लाइक गुड फॉर योर स्किन एंड दी सेलिब्रिटीज ड्रिंक लाइक अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे. तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में भी पानी लिया जाए एंड बिकॉज शी हैज़ मैंशन दालचीनी पानी, सो विल बी मेकिंग दैट. एंड फ्रेंच टोस्ट मैंने आज तक कभी नहीं ट्राई किया है, सो लेट्स गो मेक आवर ब्रेकफास्ट. हैव माई ब्रेकफास्ट हेयर नाउ. तो मैंने वो पूरी लिस्ट में से चूज़ किया फ्रेंच टोस्ट एंड सिनेमन वाटर, दैट इज़ दालचीनी का पानी. थोड़ा इंटरेस्टिंग सी रेसिपी थी, तो आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नाउ आई टेस्ट इट एंड टेल यू गाइज इफ आई लाइक इट. इट इज़ एक्चुअली क्वाइट टेस्टी एंड द वाटर ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सिनेमन का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आया है. एक्चुअली फ्रेंच टोस्ट में भी सिनेमन पाउडर डलता है,
बट मेरे पास सिनेमन पाउडर नहीं था एंड आई वॉज वेरी लेजी टू क्रश इट, तो मैंने इसमें स्किप कर दिया. एनीवेज मुझे सिनेमन का टेस्ट काफ़ी पसंद है, तो दिस वाटर इज टेस्टिंग रियली गुड एंड मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक के लिए इट इज़ लाइक परफेक्ट. एंड ये जो टोस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एकदम अंदर से जो ब्रेड है वो बहुत मॉइस्ट हुई है बिकॉज हमने उसे मिल्क में डिप किया था एंड जो ऊपर से एग्स हैं वो अच्छे से क्रिस्प हुए हैं, सो एक हल्का सा क्रिस्पी टेक्स्चर है एंड देन इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट इन साइड, सो काफ़ी अच्छा है एंड ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. मैंने अपने लिए दो टोस्ट बनाए हैं एंड आई थिंक इट विल बी द परफेक्ट ब्रेकफास्ट क्योंकि काफ़ी टाइम तक मुझे फुल रखेगा टेस्ट वाइज एंड यू नो फुलफिलिंग वाइज. आई वुड रेट दिस ब्रेकफास्ट 9/10 बिकॉज आई रियली रियली लाइक दैट. यू हैव टू ट्राई फ्रेंच टोस्ट इफ यू हैवंट ऑलरेडी. ओके गाइज, इट्स आफ्टरनून और मैंने अभी जस्ट एक शूट कम्प्लीट किया एंड अभी टाइम हो गया लंच का. इट इज़ 1:30 नाउ, तो अभी हम लोग लंच करेंगे एंड लंच के लिए उनके जो फ्रिज मैगनेट्स थे उसमें लाइक मैंने देखा था कि दो डिफरेंट सेक्शंस थे, एक था राइस एंड ब्रेड का एंड देन एक था करीज का. सो मैंने दोनों में से एक एक चीज़ें पिक करी हैं. सो जो करीज थी वो दूधी चना, बोनलेस चिकन ग्रेवी, चिकन करी, एग करी, मूंग दाल, चिकन स्ट्यू, सांभर, मसूर दाल, ब्लैक दाल, येलो दाल, चना दाल, राजमा, दाल फ्राई. आई फील लाइक अ होटल्स वेटर बट ये पूरा लिस्ट था उनके करीज का एंड मैंने सबसे सिंपल एंड ईजी येलो दाल चूज किया एंड बिकॉज मैं शूट कर रही थी तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था कि मेरे लिए येलो दाल बना दो. एंड फॉर द राइस एंड ब्रेड मैंने राइस नहीं लिया बिकॉज उनके में ऐसा राइस प्लेन कुछ था नहीं, सारा कुछ खिचड़ी था एंड आई थिंक शी लव खिचड़ी. उन्होंने अपने वीडियो में भी बोला था कि उनको खिचड़ी बहुत पसंद है. सो ये थी उनके राइस एंड ब्रेड्स की लिस्ट. मसाला खिचड़ी, साबुदाना खिचड़ी, पनीर पराठा, दलिया खिचड़ी, मेथी थेपला खिचड़ी, मक्का रोटी, चपाती, जावर ज्वार रोटी, राइस भाकरी, बिरयानी, टोस्ट, कीनवा, पैनकेक, पॉरेज, पी सूप. तो ये पूरा लिस्ट था उनके राइस एंड ब्रेड्स का. सो इसमें लाइक आप देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ग्रेन्स की रोटीज़ प्रेफर करती है, लाइक द ज्वार रोटी, मक्का रोटी एंड रागी रोटी, नाचनी रोटी. ये सब ना सेलिब्रिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है बिकॉज दे लाइक टू हैव ग्लूटन फ्री रोटीज़, सो वो ग्लूटन फ्री आटा यूज़ करते हैं एंड जो नाचनी या रागी जिसको बोलते हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है एंड काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ उसको यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यू नो आजकल हाइप हो रखा है. बट हमारे घर में बचपन से बन रहा है बिकॉज मैं उत्तराखंड से हूँ एंड हमारे वहाँ पे काइंड ऑफ स्टेपल होता है जिसको आप लोग रागी बोलते हो या नाचनी बोलते हो, हमारे वहाँ उसको मडवा बोला जाता है. सो मडवे की रोटी बचपन से घर पर बन रही है एंड आई हेट इट लाइक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. आई शो यू व्हाट दी लुक लाइक. ये होती है नाचनी या रागी की रोटी एंड ये ऐसी दिखती है. बचपन में मम्मी हमें बोल के देती थी कि मैंने चॉकलेट रोटी बनाई है एंड ओ माय गॉड, जब पहली बार ये खाया था ना इट वाज द बिगेस्ट मोमेंट जहाँ से हमारे ट्रस्ट इश्यूज स्टार्ट हुए हैं. एनीवेज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट ठीक है. अभी इस वीडियो के लिए मैं पहले सोच रही थी मक्के की रोटी बनवा लेती हूँ बिकॉज वो मुझे पसंद है, बट मक्के का आटा खत्म हो गया था घर पे तो मैंने कहा चलो फिर अब यही लिखा है नसीब में यही खा लेते हैं. एंड अदर देन दैट जो आलिया भट्ट की यूट्यूब वीडियो थी उसमें उन्होंने बताया कि उनको बीटरूट रायता या बीटरूट सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है एंड उनकी डिफरेंट वीडियोज में देख के पता चला कि उनको अपने लंच के साथ दही खाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जो उनका बीटरूट सैलड था उसमें भी दही पे ही मतलब एक की तरह से वो चीज बनाई गई थी, तो मैंने सोचा उसको भी लंच में इंक्लूड कर लेते वरना मेरा लंच तो एकदम प्रिटी बेसिक जो मैं रोज खाती हूँ वही हो जाता. आई वांटेड समथिंग न्यू एंड आलिया भट्ट लाइक, तो मैंने बीटरूट सैलड बनाया है. सैलड बोलते हैं रायता मुझे याद नहीं आ रहा बट एनीवेज विल कॉल इट बीटरूट सैलड फॉर दिस वीडियो. तो मैंने वो बीटरूट सैलड भी बनाया. सो बीटरूट सैलड बनाने के लिए मैंने बीटरूट बॉइल कर लिए थे एंड देन आई ग्रेटेड देम. उसके बाद उसमें मैंने दही डाला, तो दही आपको ऐसे डालना है सो दैट वट एवर कंसिस्टेंसी यू लाइक उतना दही डाल लो एंड मिक्स इट ऑल टुगेदर एंड आफ्टर दैट आप इसमें चाट मसाला या जो भी आपको सॉल्ट पसंद है वो डाल सकते हो टेस्ट के लिए एंड देन इसके ऊपर आपको तड़का लगाना है. मैंने तड़के में डाला है जीरा, कड़ी पत्ता एंड जखिया. नाउ जखिया इज समथिंग फ्रॉम उत्तराखंड सो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. आई शो यू व्हाट माय लंच लुक्स लाइक. एवरीथिंग इज लुकिंग प्रिटी कलरफुल. तो यहाँ पे हमारी रागी की रोटी, फिर है येलो दाल एंड ये है बीटरूट सैलेड. इसका मैंने आपको दिखाया हाउ आई मेड इट. सो लेट्स डू अ टेस्ट टेस्ट की हाउ द लंच इज. सो टेस्ट टेस्ट में वैसे ये रोटी और दाल तो मैं रोज ही खाती हूँ सो इट इज नॉट एनीथिंग न्यू फॉर मी
एंड बाय द वे ये दोनों मेरी मम्मी ने बनाया है एंड दिस आई मेड माई सेल्फ. सो द दाल इज प्रिटी टेस्टी एंड आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर नाउ. आई नो काफ़ी लोग खाने के साथ पानी नहीं पीते, खाने के बाद पीते हैं, एंड काफ़ी लोग खाने के साथ पीते हैं. कॉमेंट डाउन बिलो विच वन आर यू. मैं तो खाने के साथ, बिना पानी के मेरा खाना गले से नहीं उतरता. सो लेट्स ट्राई द बीटरूट सैलड. आई डोंट लाइक बीटरूट एट ऑल. जैसे मम्मी कभी भी सैलड वगैरह में बीटरूट दे देती है तो मैं उसे साइड कर देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. टुडे आई एम ट्राइंग दिस वन आउट एंड द कलर लुक सो ब्यूटिफुल. मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि दिस इज द मोस्ट टेस्टी थिंग इन द वर्ल्ड. इट इज लुकिंग सो प्रिटी एंड आई विल ट्राई दिस. दिस इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग. इसमें मुझे बीट रूटी टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है एंड बीट रूट क्योंकि बॉइल थे तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रखे हैं एंड पूरे रायते में उसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है. एंड देन मैंने जो इसमें तड़का लगाया था वो तो मेरी फेवरेट चीज़ें ही हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. लाइक दिस इज समथिंग दैट आई कैन लिटरली हैव एवरी सिंगल डे. रियली इट इज दैट टेस्टी. अगर आपको भी बीटरूट नहीं पसंद है बट यू वॉन्ट टू इंक्लूड बीटरूट इन योर डाइट, आप ये जरूर ट्राई आउट कर सकते हो. इट इज वेरी 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 टेस्टी. लाइक मुझे पसंद आ रहा है एंड आई एम वेरी फसी ईटर. सो ट्रस्ट मी इट इज गुड, यू शुड ट्राई इट आउट. काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है एंड इट इज लुकिंग प्रिटी ऑल्सो. लाइक वेरी प्रिंटरेस्टी एंड क्वाइट टेस्टी. सो आई जस्ट फिनिश माई लंच एंड देन विल रेट इट. गाइस सो माई लंच इज नाउ कम्प्लीट एंड आई वुड से इट वॉज सच अ होलसम मील. आई मीन फैंटास्टिक लंच के लिए इट वॉज जस्ट परफेक्ट. बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं था और लाइट भी नहीं था. लाइक इट वॉज द परफेक्ट बैलेंस एंड द बीटरूट सैलड जस्ट हैड मी लाइक आई लव्ड इट सो मच. इट्स जस्ट दैट वो जो रागी की रोटी थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड एनी वेज वो सब चीज़ों के साथ आई कुडंट ईट टू रोटीज़. तो मैंने एक ही रोटी खाई एंड आई एम सॉर्टेड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours नाउ. माई स्टमक इज ऑल फुल एंड आई एम रेडी टू गेट बैक टू द शूट. सो आई वुड रेट आज का लंच 8/10. इट वॉज फैंटास्टिक बट अगर वो रोटी किसी और ग्रेन की होती तो आई वुड हैव प्रेफर्ड दिस मील एंड इट वुड हैव बीन लाइक अ 10/10 फॉर मी. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रोटी आई विल गिव इट 8/10. बट अगर आपने ना ये बीटरूट सैलड अभी तक नहीं ट्राई किया है भाई कर लो, मजा आ जाएगा. बहुत ज्यादा यमी था एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से स्नैक्स टाइम पे. ओके सो इट इज 6 PM नाउ एंड इट इज द परफेक्ट स्नैक टाइम फॉर मी. मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगी थी अभी ऑनेस्टली एंड मैंने दो चीज़ें बनाई है फॉर द स्नैक्स. तो मैंने पूरे दिन कॉफ़ी नहीं पी है अभी तक बिकॉज आलिया डज नॉट हैव कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड दैट इज़ वेन आई हैव माई कॉफ़ी. बट वो स्नैक्स में उनका जो फ्रिज मैगनेट्स थे उसमें आई सर्व बटर कॉफ़ी एंड मैंने बटर कॉफ़ी एक बार ट्राई किया था जब मैं कीटो करने की कोशिश कर रही थी एंड इट वॉज पथेटिक बिकॉज मुझे उस टाइम तक बटर कॉफ़ी बनाने नहीं आती थी एंड मैंने रेसिपी देखने की जहमत भी नहीं उठाई एंड मैंने सोचा कि कॉफ़ी में बटर ही तो डालना होगा. तो हमने कॉफ़ी में बटर डाल दिया था एंड इट वॉज वेरी वेरी बैड बिकॉज हमने ज़्यादा ही बटर डाल दिया था और अच्छे से उसको चर्न नहीं किया था, ग्राइंड नहीं किया था एंड इट वॉज वेरी बैड. बट आज मैंने ये कॉफ़ी बनाई है, लेट मी शो यू. सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. इसमें ऊपर से सब मिल्क का जैसा फोम आ गया है एंड इट लुक्स लाइक कैपेचिनो. आई डोंट नो वॉट इट टेस्ट्स लाइक. तो इसको मैंने बनाया है नॉर्मल लाइक बॉइलिंग वाटर में, हॉट वाटर में. एक स्पून मैंने कॉफ़ी डाला एंड देन मैंने एक स्पून बटर डाल के मिक्स किया एंड देन थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद मैंने इसे मिक्सी में चला दिया था. सो दैट इज़ हाउ आई मेड दिस. लेट मी ट्राई इट आउट. It tastes like something in between cappuccino and black coffee. Black coffee जैसा कड़वा हो रहा है but हल्का सा इसमें मिल्की टेस्ट आ रहा है जैसे मैंने इसमें मिल्क डालो. although इसमें बिल्कुल मिल्क नहीं है एंड मैंने कोई स्वीटनर भी नहीं डाला but I think butter is a milk product तो उसके वजह से ये मिल्क वाला टेस्ट आ रहा है. but it tastes nice. मतलब अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ नॉर्मली भी, आई लाइक अमेरिकानो, तो अगर आप भी ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हो तो दिस इज इवन बेटर. ओके सो दिस इज आर नेक्स्ट स्नैक. This is chia seed pudding and this is Alia Bhatt's one of the favorite food items. ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो मतलब बहुत ज़्यादा ऑफन इसे खाते रहते हैं.
तो अभी उन्होंने वीडियो में बताया था कि आजकल वो इसे स्नैक्स में खा रही हैं, सो मैंने भी स्नैक्स में बना लिया। एंड इसकी रेसिपी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपने एक बोल में 2 to 3 tablespoons ऑफ चिया सीड्स लेने हैं, देन यू हैव टू ऐड इन अबाउट अ कप ऑफ मिल्क टू इट। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लो ताकि आपके चिया सीड्स आपस में क्लम्प्स फॉर्म ना करें। एंड देन आप इसमें कोई भी स्वीटनर डाल सकते हो, शुगर, हनी या फिर गुड़ भी डाल सकते हो। एंड उसके बाद इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दो एंड ओवरनाइट रख दो या फिर 1-2 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है। एंड देन ये आपकी रेडी हो जाएगी। मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं भूल गई, वरना मैं सुबह ही इसको सेट करने के लिए रख देती। बट अभी ये ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा थिक हो गया है, मिल्क जैसा पतला नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा था ये जेली जैसा होगा, बट ये वैसा नहीं, आई थिंक ऐसा ही होता होगा। सो लेट मी ट्राई इट आउट, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग चिया सीड पुडिंग। दिस इज वेरी वेरी टेस्टी, एंड बिकॉज इसमें कोई भी अनहेल्दी इंग्रेडिएंट नहीं है, तो इट इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड डिजर्ट ऑप्शन, हेल्दी डिजर्ट ऑप्शन। तो आई कैन सी माई सेल्फ हैविंग दिस एवरी अदर डे। इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी, और इसमें हनी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, चिया सीड्स का काफ़ी अच्छा टेक्स्चर आ रहा है। अगेन दिस इज़ अ मस्ट मस्ट ट्राई। आई हैव माई स्नैक्स एंड आई रेट इट आई थिंक 9/10 बिकॉज ऑफ द चिया पुडिंग एंड दिस। आई थिंक द बटर इज जस्ट अननेसेसरी, बट मुझे नहीं पता इसका कुछ बेनिफिट वगैरह हो सकता है, होता हो वो खाते हैं तो, बट आई डोंट नो। बट आई रेट इट 9/10। आई लव दिस वन एंड आई एम गोना फिनिश माई बोल। सो मेकअप रिमूव्ड एंड स्किन केयर डन, दैट्स क्रीम्स दैट आई एम एट द एंड ऑफ माई डे। मेरा सारे शूट्स कंप्लीट हो गए, आई एम वेरी हैप्पी टू टेक ऑफ एवरीथिंग ऑफ माई टू डू लिस्ट। अभी अगर मेरा मन किया और हिम्मत आई तो आई विल डू सम एडिटिंग, बट आई एम वे टू टायर्ड। इट वॉज अ वेरी वेरी हेक्टिक एंड लॉन्ग शूट डे, एंड सो आई हैव माई डिनर हियर। तो मैंने डिनर में जो आलिया भट्ट का पहला फ्रिज मैगनेट का कॉलम था, सूप्स एंड सैलड्स, उसमें से ये पिक किया है। तो उसमें इट वॉज बीट रूट सैलड, वो मैं दिन में खा चुकी थी। And then there were soups. I'm not a big soup fan. I don't like soups at all. But I still prefer salads डिनर में। तो जब मैं भी डाइट करती हूँ तो मैं डिनर में सैलड्स ही लेती हूँ, एंड देर वो 2 salads दैट वर लाइक द सिमिलर वंस जो मैं भी खाती हूँ। दैट वॉज, एक तो था राजमा सैलड, मैं बस राजमा की जगह छोले डाल देती हूँ, राजमा मुझे अच्छी नहीं लगती। एंड देन देर वो स्प्राउट सैलड, तो मुझे स्प्राउट्स जो सोयाबीन की स्प्राउट्स होती है वो सोयाबीन पसंद है, पर स्प्राउट्स में नहीं पसंद। तो मैंने सोयाबीन को बॉईल करके उसका चाट बना लिया है। इसमें बेसिकली बॉईल सोयाबीन्स हैं, एंड उसके बाद इसमें सारी जितनी भी वेजीज थी वो सब डाली हुई है। इसमें टमाटर है, प्याज है, देन दिस हैज कैप्सिकम, कैबेज, एंड या इतना ही दिख रहा है मुझे, मम्मी ने बनाया बेसिकली है। एंड देन उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, नमक डाल लो टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड देन स्क्वीज अ लेमन एंड इट टेस्ट गुड। बस आप दाल अपनी प्रेफरेंस की ले लेना, मुझे इससे ज़्यादा छोले पसंद हैं, बट आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हो। क्वाइट हेल्दी डिनर ऑप्शन, बस मैं इसमें इस वाली दाल की जगह पे छोले प्रेफर करती हूँ, बॉइल्ड छोले। इट इज़ ऑल्सो गुड। आई जस्ट फिनिश दिस एंड दिस विल बी द एंड मील ऑफ माई डे, एंड आई स्वेयर मैंने पूरे दिन कोई चीटिंग नहीं किया। आई एट ओनली आलिया भट्स डाइट जो मैंने वीडियो में दिखाया, अदर देन दैट मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ एंड ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू डू मोर सच वीडियोज नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हो मैं करूँ तो वो भी कॉमेंट्स में जरूर ड्रॉप कर देना। एंड एज अ बर्थडे गिफ्ट यू नो प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट, सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। नाउ आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।